कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। वर्तमान में चीन में फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे चीन में लॉकडाउन भी लगा हुआ है। लॉकडाउन लगने से चीन की सोयाबीन की मार्केट थोड़ी नरम पड़ी है। लॉकडाउन और उससे जुड़ी पाबंदियों के चलते चीन में सोयाबीन की पेराई में थोड़ी कमी आई है और खाद्य तेलों की मांग भी कुछ कम हुई है। इसी बीच चीन की एक कंपनी घरेलू बाजार में सोयाबीन तेल की सप्लाई कर रही है, जिससे लॉकडाउन के चलते सोयाबीन तेल की कीमतों में उछाल ना आ पाए। सोयाबीन तेल की कीमतों के उम्मीद से कम स्तर पर बने रहने और सोयाबीन मिल की कमजोर मांग के कारण लगातार नकारात्मक पेराई ने क्रशर्स की खरीदारी रुचि कम की है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी वार्तालाप से जो कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है, उसका असर सोयाबीन तेल की कीमतों पर भी देखने को मिला है और क्रश मार्जिन में गिरावट आई है। चीन में सोयाबीन क्रश मार्जिन लगातार गिरता जा रहा है। मई की शिपमेंट के लिए 8 मिलियन टन की मांग है और इसमें से 73% की मांग को कवर किया जा चुका है। जून की शिपमेंट के लिए 25 मार्च से किसी भी प्रकार की लेन देन के बारे में जानकारी अभी तक नहीं आई है। वहीं उत्तरी चीन में कई पेराई मिलों ने महामारी के चलते पेराई रोकी हुई है। चीन के कारोबारियों के अनुसार चीन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आगे लॉकडाउन के दौरान पेराई से जुड़े कार्य कैसे रहते हैं। अगर लॉकडाउन जल्द नहीं हटा तो सोया खल की डिमांड भी कम हो सकती है, और अगर लॉकडाउन हटता है तो कम लेबर और ज्यादा लागत के चलते पेराई धीमी रह सकती है। वहीं चीन 1 अप्रैल से आयात की हुई 5 मिलियन टन सोयाबीन की नीलामी करेगा। बाजार को उम्मीद भी है कि चीन सरकार 3.5 मिलियन टन सोयाबीन हर हफ्ते जारी कर सकती है, वो भी लगातार 10 हफ्तों के लिए। इस पर वहां के व्यापारियों का कहना है कि सोयाबीन का स्टॉक रिलीज होने पर सोयाबीन की नीलामी होने से खरीदार खरीदारी में रुचि कम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।